हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की बुक बी हाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। तो आज इस वीडियो में मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सीधा हम चैप्टर पे चलेंगे, मेन कंटेंट पे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2057 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो यहाँ पे मार्गी के बारे में स्टोरी है, और जैसा कि हम पढ़ के जान सकते हैं कि ये शायद 2057 की बात है, यानी मार्गी जो है वो इस टाइम 2157 में है। उस रात मार्गी ने डायरी में लिखा कि आज टॉमी को असली की बुक मिली। तो डायरी जो है वो रियल डायरी नहीं है, हो सकता है ये लैपटॉप पे डायरी हो या किसी नोट पैड पे डायरी हो। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो ये बहुत ही पुरानी बुक थी जो टॉमी को मिली थी, और मार्गी के grandfather ने उसे बताया था कि जब उसके grandfather बहुत छोटे बच्चे थे तो उनके grandfather ने उन्हें बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब स्टोरीज प्रिंटेड होती थी पेपर पे, यानी पेपर पे स्टोरीज प्रिंट होकर के आती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it and it had when they read it the first time. तो मैगी और टॉमी ने इन पेजेस को पलटा जो कि येलो हो चुके थे और टाइम के साथ साथ बहुत पुराने थे, इसलिए वो बिल्कुल फोल्ड्स और लाइन से भरे हुए थे, और ये बिल्कुल फनी लग रहा था उन्हें कि अभी भी जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल वैसे ही इंटैक्ट थे, नहीं वो ना ही मूव कर रहे थे ना ही वो चेंज हो रहे थे जैसा कि स्क्रीन पे होता है। और सबसे ज्यादा उन्हें अमेजिंग बात ये लगी कि जब उन्होंने वापस पिछले पेज को टर्न किया तो वर्ड्स अभी भी वैसे ही थे जैसे वो फर्स्ट टाइम लगे थे। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस अ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो टॉमी ने कहा कि कितना वेस्ट है ये, क्योंकि ऐसे बुक जो रियल है उसको पढ़ के फिर फेंक दो, क्योंकि दोबारा उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो बुक वैसे का वैसे ही रहता है। इससे अच्छा तो मेरा टेलीविजन स्क्रीन है जिसमें मिलियन बुक्स हैं, यानी बहुत सारे बुक्स हैं, और अभी और भी ज्यादा बुक्स उस पर आ सकते हैं और मुझे उसे फेंकने की भी जरूरत नहीं है। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडन्ट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। She said, "Where did you find it? In my house." He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. तो मार्गी ने कहा कि ऐसा मेरे साथ भी है। मार्गी 11 years की थी और टॉमी 13 years का था। तो क्योंकि टॉमी मार्गी से बड़ा था इसलिए उसने मार्गी से ज्यादा टेलीबुक्स देखे थे। अब मार्गी ने पूछा टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? तो टॉमी ने बताया कि वो उसे अपने घर के एटिक पे मिली। तो उसने पूछा ये बुक किसके बारे में है? टॉमी ने बताया स्कूल के बारे में है। मैगी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मैगी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो जब टॉमी ने बोला कि ये बुक स्कूल के बारे में है तो मैगी बहुत ही अमेज्ड हुई, क्योंकि उसे लगता था कि स्कूल कोई ऐसी जगह है नहीं जिसके बारे में लिखा जा सके, और स्कूल के बारे में ऐसा लिखने के वाला है क्या, और उसे तो बिल्कुल स्कूल पसंद ही नहीं था, शी हेटेड स्कूल। और अब तो उसे और भी ज्यादा स्कूल से नफरत सी हो गई थी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है वो उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और उसके मार्क्स पहले से भी ज्यादा कम आए जा रहे थे, और इस वजह से उसकी जो मम्मी है उसने उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच All the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Maggie hated most was the
slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. The mechanical teacher calculated the marks in no time. तो अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो राउंड था, राउंड लिटिल मैन था, राउंड मशीन था वो भी, और रोबोट था जो कि राउंड शेप का था और रेड कलर का उसका फेस था, और उसके पास टूल्स और वायर्स की पूरी बॉक्स थी। तो उसने मार्गी को एप्पल दिया और उसकी तरफ स्माइल किया, और टीचर को उसने पूरा तोड़ दिया, यानी पूरा उसने उसको ओपन कर दिया, क्योंकि टीचर भी एक मशीन था, तो उसने पूरा मशीन ओपन कर दिया और वापस उसे एक घंटे के अंदर फिक्स कर दिया। तो मैगी को ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे लगा था ये इसे ओपन तो कर रहा है बट वापस जुड़ेगा नहीं, इसलिए मैगी को बुरा लग रहा था कि इतनी जल्दी उसके टीचर ठीक भी हो गए। और मैगी को जो सबसे बुरा पार्ट लगता था टीचर का, वो जगह थी जहाँ पे उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे। तो जब भी वो होमवर्क पूरा कर लेती थी या टेस्ट सॉल्व कर लेती थी तो उसे वो वहां पे रखने होते थे, और जो टीचर है वो विद इन नो टाइम उसे कैलकुलेट करके उसके मार्क्स बता देता था। और मैगी जो है वो अपने होमवर्क एक पंच कोड में लिखती थी जो कि उसने जब 6 साल की थी तब उसे सिखाया गया था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। तो अब इंस्पेक्टर ने मार्गी की मम्मी को बताया कि इसमें मार्गी की कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि टीचर के प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो ज्यादा ही जल्दी आ गया था। तो अब मैंने उसे खोल के उसे वापस प्रोग्राम कर दिया है एक एवरेज 10-year ओल्ड के लिए, और अब उसे दिक्कत नहीं आएगी, और मार्गी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी सेटिस्फैक्ट्री है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो मार्गी को ये सब देख के बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस बार जो टीचर जाएगा वो अभी कम से कम कुछ दिन तक वापस नहीं आएगा, क्योंकि टॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसके टीचर का जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो करीब 1 महीने तक टॉमी के जो टीचर था वो उसके घर पे नहीं था और टॉमी बिना टीचर का था। तो मैगी को भी लग रहा था कि शायद इस बार उसके टीचर के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैगी डिसअपॉइंटेड थी। तो अब मैगी ने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। तो अब टॉमी ने उसके तरफ देखा जैसे कि उसे सब कुछ पता है, और उसने कहा कि स्कूल के बारे में इसलिए क्योंकि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है, ये पुराना वाला स्कूल है जो कि हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड इयर्स पहले हुआ करता था। मागी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। तो अब मार्गी को ये बुरा लग रहा था क्योंकि मार्गी को पता नहीं था कि पहले के स्कूल कैसे होते थे। तो उसने बुक को देखा, उसको पढ़ा और फिर बोला कि चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन उनका एक टीचर भी हुआ करता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ? Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. तो यार I betcha जो है, betcha जो है वो informal तरीका है लिखने का I bet you के लिए। तो अब यहाँ पे मार्गी को विश्वास नहीं हो रहा था कि पहले के स्कूल में टीचर भी हुआ करते थे जो कि एक आदमी था। तो मैगी को बस ये लग रहा था कि कोई टीचर जो है वो आदमी कैसे हो सकता है, क्योंकि मैगी को ऐसा लगता था कि जो आदमी होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो उतने स्मार्ट नहीं होते हैं कि वो टीचर बन जाए। तो टॉमी ने बताया मार्गी को कि जो टीचर हुआ करते थे पहले, वही लड़कियों को, लड़कों को होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, उन्हें सब चीजों के बारे में बताते थे, सिखाते थे। तो मार्गी ने बोला कि जो एक ह्यूमन है उसकी नॉलेज इतनी नहीं है कि वो सबको पढ़ा सके। तो टॉमी ने कहा कि बिल्कुल नॉलेज है, क्योंकि मेरे जो फादर हैं उनको भी उतनी ही नॉलेज है जितना कि एक टीचर को होती है। तो मैगी ने कहा कि मैं तो इसके लिए बेट लगा लूंगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस,
They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing? Sure, if they were the same age. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the minds of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो अब यहाँ पे मार्गी ने बोला कि मैं तो नहीं चाहती कि एक स्ट्रेंज सा मैन मेरे हाउस में रहे, यानी मेरे घर में रहे। तो टॉमी ये सुन के हंसने लगा। उसने बोला कि पहले जो टीचर्स होते थे वो घर में नहीं रहते थे, बल्कि एक बिल्डिंग होती थी जिसे स्कूल कहते थे और वहीं पे बच्चे जाते थे और टीचर्स जाते थे। वे वहां पे रहते नहीं थे, बस वो पढ़ने जाते थे। तो मार्गी को सरप्राइज नहीं लगा कि और सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे। तो टॉमी ने कहा कि हाँ, जो एक उम्र के बच्चे थे वो सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे। तो अब मार्गी को ये भी सरप्राइजिंग इसलिए लग रहा था क्योंकि उसकी मम्मी ने बताया था कि टीचर को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि वो हर एक बच्चे के माइंड के हिसाब से उसे पढ़ाते हैं, यानी जिस बच्चे की जैसी जरूरत होती है वो उसे वैसा ही पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्गी और टॉमी का जो अभी का जो जमाना था, जो उनका जो करंट ईयर था, वहां पे रोबोट्स टीचर थे और ह्यूमंस टीचर नहीं थे। तो उन्हें ये सब बातें अनयूजुअल लग रही थी। जस्ट द सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे देन। If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. तो अब टॉमी ने कहा कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें किसी ने नहीं बोला है कि ये बुक पढ़ो तुम मेरे साथ। तो मार्गी ने कहा कि मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये मार्गी को फनी लग रहा था कि स्कूल पहले ऐसे भी हुआ करते थे। तो उन्होंने अभी आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मम्मी ने उसे आवाज लगाया। मार्गी के स्कूल का टाइम हो चुका था। मार्गी लुक्ड अप। नॉट येट मम्मा, नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? मे बी, ही सेड नॉनकैलेंटली। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड टक्ड बीनीथ हिज आर्म। तो अब मार्गी ने बोला कि अभी तो टाइम नहीं हुआ स्कूल का, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे बोला कि तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है और टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है, तो अब तुम दोनों ही स्कूल के लिए आ जाओ। तो टॉमी अब वहां से जाने लगा। तो मार्गी ने कहा कि क्या मैं स्कूल के बाद भी तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी ने कहा हाँ पढ़ सकते हैं, और वो भी वहां से चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू अ बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन At the same time every day except Saturday and Sunday. तो अब मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई जो कि उसके बेडरूम के बगल में था, और जो मैकेनिकल टीचर था उसका वो ऑन हो चुका था और वो उसका वेट कर रहा था। तो जो मैकेनिकल टीचर है वो हर दिन एक टाइम पे, यानी जो स्कूल का टाइम होता है उसी दिन वो ऑन किया जाता है, और सैटरडे और संडे को नहीं ऑन किया जाता है क्योंकि उस दिन स्कूल की छुट्टी होती है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न्ड बेटर इफ दे लर्न्ड एट रेगुलर आवर्स। तो ऐसा फिक्स टाइम इसलिए था क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी कि छोटी बच्चियां तब अच्छा सीखती हैं अगर वो हर दिन एक ही टाइम पे, यानी रेगुलरली एक ही चीज को एक डेफिनेट टाइम पीरियड पे सीखें। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो अब स्क्रीन जल चुकी थी और स्क्रीन पे क्या आ रहा था? स्क्रीन पे आ रहा था कि आज जो है वो अरिथमेटिक लेसन है जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन करेंगे, और ये भी आ रहा था कि जो कल का जो होमवर्क है वो मैगी को वहां पे इंसर्ट करना था। मार्गी डिड सो विद अ साई। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टूगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टूगेदर एट द एंड ऑफ द डे। They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. तो अब मैगी ने होमवर्क तो अपना इंसर्ट कर दिया, लेकिन वो सोच रही थी कि वो कितना अच्छा हुआ करता था पुराना स्कूल जो कि उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के टाइम पे था, और सारे बच्चे मिलजुल के स्कूल जाते थे, हंसते थे, शोर मचाते थे, और जब स्कूल खत्म होता था तो साथ में एक साथ घर आते थे। और क्योंकि सारे एक ही उम्र के बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे तो वो लोग एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प भी कर सकते थे। And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो अब स्क्रीन पे जो मैकेनिकल टीचर है मार्गी का, वो उसे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था उसने और फ्रैक्शंस ऐड करने को सिखा रहा था। बट मार्गी जो है वो अलग ही दुनिया में थी और वो ये सोच रही थी कि किस तरीके से पुराने दिनों में बच्चे स्कूल जाते थे
और वो उनको स्कूल जाना कितना पसंद होगा, और मार्गी को ये भी लग रहा था कि कितना ज्यादा मजा वो उस टाइम करते होंगे, क्योंकि मार्गी और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल घर में होता है और टीचर जो है वो मैकेनिकल टीचर होता है, रोबोटिक टीचर होता है। इस तरीके से मार्गी को बहुत अफसोस हो रहा था। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, और आज तो हमने एक्सप्लेनेशन चैप्टर का देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो नीचे एक्सरसाइजेस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें, और अगर कुछ डाउट्स हैं आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।